अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें खैरियत से होंगी। और आज की वीडियो में मैं फिर से आपके साथ ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर करूंगी। और ये ड्रेसेस मैंने अपनी यूएसए की एक प्यारी सी क्लाइंट के लिए बनवाए हैं। और ये ड्रेसेस मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अब आप लोग भी बताइएगा कि इनका डिज़ाइन कैसा है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसे एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप नेकलाइन, स्लीव्स, दामन एंड दुपट्टा की बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइनिंग देखेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट ड्रेस। ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट थी, इसकी नेकलाइन सिंपल रखी है, बोर्ड शेप में रखवाई है नेकलाइन। और देखिए शर्ट की फ्रंट साइड पर कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई थी, लेकिन शर्ट की लेंथ का इशू था, लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, तो हमने इस लेंथ को इंक्रीज करना था। डैट्स वाई हमने इसको दरमियान से कट किया है और बीच में इस तरह से ऑर्गेन्जा की डिज़ाइनिंग कर दी है। इसके ऊपर प्रिंटेक्स ऐड करवाई है और दरमियान में रखकर शटल लेस लगा दी है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और फिर एंड में प्रिंटेड बॉर्डर को अटैच करके लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। और इसके चौक में हमने प्रिंटेड फैब्रिक की फोल्डिंग की है, इस पर पाइपिंग नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी शर्ट के फ्रंट साइड पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो चुकी थी, तो हमने पाइपिंग को स्किप कर दिया। और अब मैं आपको इसकी नेकलाइन दोबारा से शो करवाती हूँ। देखिए बोर्ड नेकलाइन बनवाई है और सामने बटन्स की डिटेलिंग करवा दी है। और स्लीव्स पर भी हमने वही डिज़ाइन बनवाया है जो कि शर्ट के दामन पर बनवाया था, यानी कि ऑर्गेन्जा इन लेसिस के साथ इस तरीके से डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और आजकल तो ऑर्गेन्जा की डिज़ाइनिंग फैशन में काफ़ी ज़्यादा इन है, लिनन के ड्रेसेस पर काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। और देखिए शर्ट के बैक साइड पर इस तरह से प्रिंट किया गया था, यहाँ से आपको फ्रंट साइड के प्रिंट का आइडिया हो गया होगा कि फ्रंट साइड पर भी ऐसा ही बॉर्डर था जिसको कट करके हमने बीच में ऑर्गेन्जा अटैच की थी। और इस ड्रेस के साथ ये सिंपल ट्राउजर स्टिच करवाया है, बॉटम साइज 11 इंचेस का है। और देखें बेल्ट फ्रंट साइड से तो प्लेन है जबकि बैक साइड में इलास्टिक ऐड की गई है। ड्रेस के साथ ये सिल्क प्रिंटेड दुपट्टा था जिसकी लेंथ में तो हमने इस तरह की लेस लगवा दी है, जबकि इसके पल्लू पर हमने रिंग्स बनवाए हैं। अभी वो डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए इस तरीके से रिंग्स अटैच करवाए हैं और ये रिंग्स पीको के जरिए बनते हैं जो कि किसी भी लोकल मार्केट से इजीली बन जाएंगे, ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। हमने भी अपने सिटी के लोकल मार्केट में से ही पीको वाली शॉप से ये रिंग्स बनवाए हैं। इसी तरह आपके सिटी में भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स लोकेटेड होंगी, तो बस आप ही उसे एक्सप्लोर लाजमी कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अगेन ये भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है और ये भी हमने सेफायर ब्रांड से ही लिया था। अगेन इस शर्ट पर भी ऑर्गेन्जा के साथ डिटेलिंग की गई है, एम्ब्रॉयडरी नेकलाइन थी, डेट्स वाई हमने इसको सिंपल रखा है। आगे सेम फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है और उस पर बहुत ही प्यारे से बटन्स लगा दिए हैं। लेकिन शर्ट के फ्रंट साइड पर साथ से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। ड्रेस का कलर एंड एम्ब्रॉयडरी दोनों ही बहुत नाइस है। इसके चौक में हमने गोल्डन कलर की स्मोसा लेस अटैच की है। अगेन इस शर्ट की लेंथ भी कम थी तो हमने इसके दामन पर ऑलमोस्ट 5 इंचेस का ऑर्गेन्जा बॉर्डर लगा दिया है। और ऑर्गेन्जा प्लेन नहीं लगाई बल्कि डबल करके उसके ऊपर प्रिंटेक्स डालकर ऐड किया है ताकि लुक और ज़्यादा इन्हांस हो सके। और देखें इसके स्लीव्स पर भी हमने वही डिज़ाइन बनवाया है। वैसे हमने तो एक तीर से दो शिकार किए हैं, यानी कि इस पर खूबसूरत एंड स्टाइलिश डिज़ाइन भी बना लिया है और अपना लेंथ का मसला भी सॉल्व कर लिया है। इसी तरह अगर आपके भी किसी ड्रेस के साथ ये इशू है कि लेंथ कम है या फिर स्लीव्स पूरे नहीं आ रहे, तो आप भी इसी तरह की डिज़ाइन बनवा सकती हैं। और देखें बैक साइड पर भी हमने उसी तरीके से ऑर्गेन्जा बॉर्डर अटैच करवाया है। ड्रेस के साथ ट्राउजर सिंपल रखा है, तकरीबन 9 इंचेस का बॉटम है इसका। और देखिए बेल्ट फ्रंट से तो प्लेन है जबकि बैक साइड में इलास्टिक ऐड की गई है। और इस ड्रेस के साथ है ये प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा जिसके पल्लू पर टसल्स बनवाए हैं। और टसल्स हमने 3 कलर्स के बनवाए हैं, यहाँ पर मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकें। अगेन ये डिज़ाइन भी हमने लोकल मार्केट से ही बनवाया है और मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आपने अपनी राय का इजहार कॉमेंट बॉक्स में लास्ट में करना है। अब आपके साथ शेयर करती हूँ ट्राउजर का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। एक्चुअली मेरे पास एक रेडी टू वेयर कुर्ता था तो मुझे अपने लिए ट्राउजर स्टिच करवाना था। मैंने ये ट्राउजर स्टिच कराया, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो सोचा अपनी प्यारी बहनों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। यहाँ पर तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लें, फिर आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करती हूँ। देखें सबसे पहले तो हमने ये जॉइंट लेस लगाई है, फिर उसके नीचे हमने तकरीबन 5 इंचेस का पैच लगाया है जिस पर प्रिंटेक्स ऐड कर दी है। और प्रिंटेक्स के दरमियानी फासला बहुत ही कम शेप में रखना है, स्ट्रेट प्रिंटेक्स नहीं लगाई बल्कि हमने इसको टेढ़ा करके लगाया है ताकि इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत आए।
और एंड में हमने लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। लेसेस भी बहुत ही प्यारी लग रही है। ब्लैक कलर का ट्राउजर है और ब्लैक के ऊपर ब्लैक डिजाइन तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड और भी काफी सारी वीडियो शेयर की थी, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को विजिट कर लें क्योंकि चैनल पर तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये ब्लैक एंड वाइट कलर का खूबसूरत सा ड्रेस है। सिंपल सा आर्टिकल था लेकिन हमने इसको बहुत ही प्यारे तरीके से स्टिच करवाया है। इसके ट्राउजर, दुपट्टा एंड शर्ट तीनों पर डिजाइनिंग की है। अभी आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी नेकलाइन देखें, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन थी तो हमने बैंड लगा के सामने पाइपिंग कर दी है। सेम फैब्रिक की पाइपिंग की और बहुत ही क्यूट से बटन अटैच किए हैं। ड्रेस के लिए ये सेपरेट प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था जिसको ज्वाइंट करने के लिए हमने वाइट कलर की ज्वाइंट लेस यूज़ की है ताकि ये डिज़ाइन इन्हांस हो सके। और इसके दामन पर हमने सर्कल्स वाली वाइट लेस लगा दी है और चौक में ब्लैक फैब्रिक की इनर फोल्डिंग कर दी है। अब मैं आपको इसके बटन्स दिखाती हूँ। मुझे तो इसके बटन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए जो कि मिरर एंड टसल से बने हुए हैं और ये बटन्स हमने लोकल मार्केट से ऑर्डर पर बनवाए हैं। अब आप देखें इसके स्लीव्स हमने ऑलमोस्ट स्ट्रेट टू बेल शेप में रखवाए हैं और स्लीव्स के ऊपर भी प्रिंटेड बॉर्डर को ज्वाइंट लेस के जरिए अटैच किया है, फिर एंड में सर्कल्स वाली लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। देखिए इस तरह की छोटी सी लेसेस अटैच करने से ये लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और देखिए शर्ट के बैक साइड का प्रिंट भी बिल्कुल फ्रंट साइड जैसा ही था और बैक साइड के बॉर्डर को भी हमने ज्वाइंट लेस के जरिए अटैच किया है और बाद में सर्कल्स वाली लेस लगा दी है। वैसे इस शर्ट के अगर चौक पर व्हाइट कलर की लेस लगाते तो और भी ज़्यादा लुक इन्हांस हो जाती, लेकिन इन क्लाइंट्स के हमारे पास काफ़ी सारे ड्रेसेस स्टिच हुए थे और इनके कुछ ड्रेसेस के चौक एंड दामन पर हम लेसेस लगा चुके हैं। डेट्स वाई इस ड्रेस पर लेसेस हमने स्किप कर दी क्योंकि फिर एक जैसा ही डिज़ाइन बन जाता। और अब आप इसके ट्राउजर का डिज़ाइन देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड वाइट कलर का कंट्रास्ट तो हमेशा ही हसीन लगता है। अच्छा, ट्राउजर के बॉटम पर हमने ज्वाइंट लेस लगाई है और फिर वाइट कलर के एंकल के धागे के साथ सिलाइयाँ लगा दी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ड्रेस के साथ ये प्रिंटेड लॉन दुपट्टा था जिसकी लेंथ में तो हमने पीको करवाई है जबकि पल्लू वाली साइड पर इस तरह की लेस अटैच कर दी है। अगेन ये लेस भी आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएगी और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये ड्रेस भी हमने सैफायर ब्रांड से ही लिया था। एम्ब्रॉयडरी शर्ट है लेकिन शर्ट के नेकलाइन पर हमने सेम फैब्रिक की पाइपिंग की है और उस पर क्रोशिए वाले बटन अटैच कर दिए हैं। वैसे ये ड्रेस एक्चुअल देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था लेकिन वीडियो में इसका कलर सही नज़र नहीं आ रहा। और अब इसके चौक का डिज़ाइन देख लेते हैं। चौक पर ब्लैक शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है और दामन के लिए सेपरेट एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था जिसको शर्ट पर अटैच किया है और बाद में ब्लैक लेस के साथ फिनिशिंग कर दी गई है। ड्रेस के साथ एक और एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था जिसको स्लीव्स पर अटैच करवाया है और फिर एंड में उसी ब्लैक लेस के साथ इसकी फिनिशिंग करी है। अच्छा, जब भी मैं इस तरह की स्टिचिंग आइडियाज़ वाली वीडियो शेयर करती हूँ तो कुछ बहनें मुझे मैसेज करती हैं और पूछती हैं कि आप ही क्या ये ड्रेसेस मिल सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये ड्रेसेस सेल करने के लिए नहीं है, ये तो मैं अपनी डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाती हूँ और आप लोगों के साथ जो स्टिचिंग आइडियाज़ के लिए शेयर करती हूँ। तो ये ड्रेसेस तो सेल नहीं हो सकते, अलबत्ता हम लोग शॉपिंग एंड स्टिचिंग दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लास्ट में चेक कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये ड्रेस हमने लिया था सना सपीनास की माहे कलेक्शन में से जब वहाँ पर फ्लैट 30% तक का डिस्काउंट था। और इस डिज़ाइन में हमने बहुत सारे ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं और सब पर तकरीबन सेम डिज़ाइन बनवाया है। देखें, प्रिंटेड लॉन शर्ट थी, इसकी भी नेकलाइन बनवाई है, नेकलाइन में वाइट कलर की लेस लगा दी है और साथ में बहुत ही क्यूट सी हैंगिंग्स अटैच कर दी हैं। और देखें, इसके दामन पर हमने ऑफ वाइट कलर की लेस लगवाई है और इस लेस को हमने डाई करवाया है क्योंकि ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट था जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, डेट्स वाई हमें डाई करवाना पड़ा। अगेन इसके स्लीव्स पर भी हमने उसी लेस की फिनिशिंग कर दी है। चौक में हमने सेम फैब्रिक की इनर फोल्डिंग की है। शर्ट के बैक साइड पर कुछ इस तरह से प्रिंट किया गया था और देखें बैक साइड के बॉर्डर पर भी हमने वही लेस अटैच की है। अब आप इसके ट्राउजर का डिज़ाइन देखें, ट्राउजर पर भी हमने ज्वाइंट लेस एंड सिंगल साइड लेस के साथ डिटेलिंग कर दी है।
मैं सिर्फ लेसिस का कलर बिल्कुल ट्राउज़र जैसा ही है, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। और इस ड्रेस के साथ था लॉन प्रिंटेड दुपट्टा जिसको सिंपल पीको करवाया है, और इसके पलुओं पर बहुत ही क्यूट से टसल्स अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर मैं कैमरे को क्लोजअप करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये टसल्स क्लियरली नज़र आ सकें। तो जनाब ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।